गुड मॉर्निंग वरिंदर, करते हैं अच्छे नतीजे के साथ शुरुआत, बताएं जो रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर, आप सबको, मैंने सुना आप मन्नापुरम की बात कर रहे थे, तो एक लाइन उस पर सर, उसका सबसे बड़ा इशू क्या होता था कि उसका जो यील्ड है गोल्ड बुक में हमेशा कम होता रहता था। बहुत टाइम के बाद पहली बार देखा कि वो जो यील्ड है वो इंच अप हुआ है और अगले क्वार्टर में उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा आएगा। तो बहुत एनालिस्ट ट्रीट पे एटलीस्ट ये मान के चल रहा है कि शायद जो पेन था गोल्ड बुक में वो कम हो गया है मन्नापुरम के लिए, तो एक वो चीज है। अदरवाइज डालमिया भारत सीमेंट सर, नंबर्स अच्छे थे कंपैरेटिवली जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, बट सीमेंट्स में बहुत अदर इश्यूज हैं। बट एटलीस्ट जो एबिटा, मेरे ख्याल में एबिटा पर टन एक्सपेक्टेड था कि 850 पर टन आएगा, उसके सामने 950 पर टन आया, तो नंबर्स कंपैरेटिवली बिकॉज रियलाइजेशन 4% ग्रो हुआ क्वार्टर क्वार्टर, तो नंबर अच्छे थे। बेयर क्रॉप साइंस के नंबर बहुत टाइम के बाद देखा सर कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अबिटा क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल 22% ऊपर वाई एंड वाई, मार्जिन मेंटेन्ड है 24% पे, तो अच्छे नंबर आए थे। जेबी केम फार्मा स्लोली स्टेडली सर वो कंपनी अच्छा कर रहा है, सेल्स पे भी अबिटा पे भी नंबर्स अच्छे आए थे, 25% सेल्स ग्रोथ हुआ क्वार्टर क्वार्टर, 30% वाई एंड वाई, 5% मार्जिन मेंटेन्ड है। गुजरात एल्कली सर आई डोंट नो, मगर नंबर्स बहुत शानदार आए थे, तो ओनली क्वेश्चन इज कि इज इट द टॉप इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स जो आपने इस कंपनी से देखे हैं, 34% मार्जिन कर रहा है सर। इवन सेल्स नीचे थे क्वार्टर क्वार्टर बट एबिटा ऊपर थे 9%, बहुत कम कंपनीज में ऐसा देखा कि सेल्स नीचे है और एबिटा ऊपर है, यहाँ तो ऐसा लगता है कि हाँ भी अगर सेल्स ऊपर भी चला जाए तो एबिटा भी नीचे चला जाएगा। तो ये 34-35% मार्जिन जो कंपनी रिपोर्ट करी है, इज इट द हाईएस्ट लेवल व्हाट वी हैव सीन इन दिस कंपनी, वो एक चीज है। अदरवाइज छोटी कंपनीज में प्रिकॉल के नंबर्स अच्छे आए थे सर, एबिटा 52 करोड़ था कंपेयर टू 50% का ग्रोथ था, प्रॉफिट 21 करोड़ था विच वॉज अप बाय नियरली 2.5 टाइम्स। गरवारे टेक फाइबर्स, स्टील कास्ट, टाइमेक्स ग्रुप, छोटी छोटी कंपनीज है जिनके नंबर अच्छे रिपोर्ट किए थे। तो ये है अच्छे नंबर्स, प्रिकोल, गुजरात अल्कलीज, डालमिया भारत, काफी नतीजे ऐसे हैं जो मजबूत रहे हैं, लेकिन कमजोर नतीजे भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट सीजन के अंत में जाते हैं वरिंदर, और खराब नतीजे की लिस्ट बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों? सर ये ना फार्मा में क्या एक कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली में नंबर्स अच्छे आए हैं बट वो स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके थे तो उनका उतना इंपैक्ट दिख नहीं रहा, और कुछ कंपनी से जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर्स खराब भी है तो भी स्टॉक उतने नीचे जा नहीं रहे। कल लुपिन का हाल देखा सर हमने, लुपिन के नंबर बहुत खराब आए थे, फिर कमेंट्री अच्छा है तो स्टॉक 7-8% ऊपर चला गया। एलेम्बिक फार्मा अगेन नंबर्स आर वेरी वेरी बैड, बाकी किसी ने सोचा नहीं था कि एबिटा 90% नीचे जाएगा। अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि प्राइस इरोजन हुआ यूएस मार्केट्स में, उन्होंने एक नॉन रेकरिंग एक्सपेंस 115 करोड़ का बुक किया है, आरएनडी कॉस्ट ऊपर गया बिकॉज ऑफ द एलियोर इंटीग्रेशन जो 260 करोड़ हुआ, यूजुअल 150 करोड़ होता था, तो ये सब चीजें वो बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा है कि यहां से आगे मार्जिन अच्छे जाएंगे। सो नाउ इफ यू बिलीव द मैनेजमेंट वी आर कैपेबल टू बाय दिस कंपनी, बट अगर सिर्फ इस क्वार्टर के नंबर देखो तो नंबर्स कहीं से भी, मतलब यूएस रेवेन्यू सर सिर्फ $47.5 मिलियन आया जो $74 मिलियन था लास्ट क्वार्टर में, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। बट नाउ वेदर दिस इज द लोएस्ट लेवल व्हाट वी हैव सीन इन द फार्मा पैक, दैट इज द क्वेश्चन। जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री सर, ब्रिटानिया का स्टॉक तो ज्यादा अच्छा नहीं किया है, मार्जिन प्रेशर सबको मालूम आएगा। अभी इसके ग्रॉस मार्जिन सर ये लोएस्ट लेवल है 40 क्वार्टर में लोएस्ट आए हैं, तो अब नंबर देखो तो नंबर बोलो यार नंबर बहुत खराब आए हैं, आए खराब, बट अभी इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार आगे जाके इसके नंबर अच्छे आएंगे। सो ये मार्केट में ये ऐसा हो रहा है सर, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज के लोग बहुत बुलिश थे कि नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ऑटो पैक का आपने नंबर देखा कि ऑटो पैक के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, वॉल्यूम कभी भी इशू नहीं होता बालाकृष्ण के लिए, तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आया, बट मार्जिन किसी ने सोचा नहीं था कि मार्जिन इतने कमजोर होंगे। सेल्स वॉल्यूम 8% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 21% ऊपर था वाई एंड वाई, बट ग्रॉस मार्जिन 57% से 52% हो गए सर, और एबिटा मार्जिन 28% से कम हो गए 17% हो गए जो लास्ट क्वार्टर 21% होते थे। सो नो वन एक्सपेक्टेड कि बालाकृष्ण इतना मतलब मार्जिन प्रेशर इतना बीकेटी पे आ सकता है, अभी भी फुल ईयर गाइडेंस मेंटेन है कंपनी का, पर क्वार्टर टू में शायद वॉल्यूम कमजोर आ जाएंगे तो ये स्टॉक अंडर प्रेशर हो सकता है। वी वर डिसअपॉइंटेड कि बलरामपुर चीनी के नंबर अच्छे नहीं आए थे, उनका शुगर रिकवरी हिट किया, गन्ना नहीं है सर, बाकी उस तरफ यूपी में इतना बारिश नहीं हो रहा तो गन्ना नहीं मिल रहा, और इसलिए रिकवरी उतना हो नहीं रहा जितना सोच रहे थे। तो आपको दिखेगा कि इस बार एबिटा हुआ, बाकी एबिटा 86% डाउन था, अगला क्वार्टर भी मेरे हिसाब से खराब आ सकता है बलरामपुर चीनी का। सो अभी भी 4-5% मार्जिन करता है, इसको टाइम लगेगा वापस उस नंबर्स पे आने के लिए। बीएमएल का इशू कह रहा है सर, इसमें सब कुछ है जो अच्छा होना चाहिए, इसमें डिफेंस भी है, इसमें माइनिंग भी है, इसमें रेलवे भी है, बट फिर भी एबिटा लॉस आता रहता है, और अभी तक हमें डिटेल्स ही नहीं मालूम कि उसका सेगमेंट वाइज किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस कहां पे किया। सेल्स भी नीचे आई है बीएमएल की, जो 1600 करोड़ होती थी कमजोर होकर 670 करोड़ हो गई है, तो इवन द 3 बिग सेगमेंट ऑफ फायरिंग बीएमएल इज नॉट डूइंग एनीथिंग।
वेल्सपन कॉर्प हमेशा से एक स्टोरी रहा है कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होगा सर इसमें, बट इट नेवर डिसअपॉइंट्स टू डिसअपॉइंट। तो सेल्स 34% नीचे थे क्वार्टर एंड क्वार्टर, एबिटा 60% नीचे था क्वार्टर एंड क्वार्टर, मार्जिन सिर्फ 2% रह गए हैं। जॉनसन कंट्रोल बिटा चीफ, आई डोंट नो मैं कितनी बार बोल चुका सर आपके चैनल पे कि यार ये एमएनसी को 160 165 का पी क्यों मिलता है, मगर कभी 1-1% मार्जिन पे काम करते हैं। 40 करोड़ का जो बिटा था 14 करोड़ का रह गया, तो एफिशिएंसी कहीं नहीं भी है बट इसको 160 का मिलेगा। एक सर स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल है, उन्होंने पूरा क्लीन अप किया है। एक बार उन्होंने वन टाइम राइट ऑफ ले लिया 700 करोड़ का, 700 करोड़ का एक टाइम पे वन ऑफ ले लिया, पूरे का पूरा राइट ऑफ कर दिया है। तो आधे लोग बोलेंगे ये बहुत अच्छी बात है, इससे बुरा हो नहीं सकता बिकॉज इसके डिस्बर्समेंट, इसकी जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक है वो भी नीचे आ गई है, एनपीए अच्छे दिखेंगे आगे जाके। पर जैसे इंडिविजुअल कॉल वैलियंट हुआ, सुलारा हुआ, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट इन नंबर सर, कुछ भी नंबर किसी का भी इनका अच्छा नहीं आया, वैलियंट हुआ सुलारा हुआ। के तो ये है आपके सारे नतीजों की लंबी लिस्ट आती हुई, अच्छे और खराब नतीजे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, रिजल्ट का पूरा डिटेल एनालिसिस देने के।